फीलिंग फीलिंग ओनली फॉर फीलिंग। आजकल तो बकार घर का छन्ना थी से, लेकिन फीलिंग है भैया ये। आ लिली पाकरी लिली छू छू का जरे छे गबरू दीदा तू तेरी बकुरी बागली ने गे का जरे छे गबरू दीदा तू तेरी बकुरी बागली ने गे। ओह मेरे प्यारे दोस्तों, एक जानकारी और आप लोगों को दे रहा हूँ। अभी जो हमारे पूरा दुखपट्टी नाकुरी में है, पानी का एक बहुत बड़ा भंडार सरयू घाटी कपकोट से आ रहा है। तो अभी तो मैं खैर अपने पपोली गांव के तिमलाधार से ऊपर चिमाड़ गठियाधार में हूँ, तो यहाँ भी ये पाइप का नल खुदा हुआ है। ये नल देख रहे हैं आप, ये नल यहाँ से जाके सीधा ठुलखाइन में जा रहा है, वहाँ पानी की टंकी बन रही है। वैसे तो सबको पता ही होगा जो गांव में रह रहे हैं, लेकिन जो गांव से बाहर रह रहे हैं उनके लिए ये जानकारी है कि ये भैया ये पानी जो आ रहा है हमारे कपकोट से आने वाला है। इसकी सबसे पहले लोती में एक बहुत बड़ी टंकी बन रही है और वो पानी पूरा नाकुरी क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, नाकुरी बनने दुखपट्टी में पूरा एकदम जितना भी है ना। तो ये जानकारी है दोस्तों, ये नल है और ये खुदा है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा और आगे को जाऊँ तो ये देख सकते हैं ये पूरा है, यहाँ से बंद भी गिरा है, इससे आगे को भी देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से थोड़ा आउट ठुलखाइन तक गया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से इधर को है, ये देखो ये हमारे मन्नू भाई आ रहे हैं, ये है भैया, ये देख सकते हो आप। चले भाई आ जाओ, आ जा ले ले। बकरियां भी साथ में चल रही हैं, ये देखो। चलो भाई चलो चलो चलो, सब काम करना पड़ता है यहाँ पे। ये पेंट जैसा क्यों मार रहे रे? ये पीटी लिखा है, इसका मतलब क्या पाइपलाइन है? हैं? ये देखो पीटी लिखा है, पाइपलाइन की सर्वे हुई होगी ना। ये आरटी लिखा हुआ है देखो पत्थर में, लेकिन पाइपलाइन थोड़ा ऊपर डाल दी सर्वे में। हम पानी लेके आ रहे हैं, मन्नू भाई लगे हैं हमारे साथ साथ, सुपर जी गए। चलो भैया घर को। हम लोग जंगल से जा ही रहे थे तो चीड़ के पेड़ पे भैया एक खूबसूरत से हमको फूल मिले हैं। ये कुदरत का ही करिश्मा है, कुछ इस तरीके का फूल यहाँ। ये भैया ये फूल उगे हैं चीड़ के पेड़ पे, इसीलिए सुंदर सा कुछ न कुछ है। ये चीड़ के सुंदर से पेड़, बांस भी हो रहा है, ब्रांस भी हो रहा है, बहुत मजा आता है यार इन पहाड़ों में कसम से। सुंदर सा मधना सोनर मधना। आए दोस्तों थोड़ा काम कर लेते हैं आज। ये पेड़ लगा है जस्ट यहाँ पे, संतरे का पेड़ है, तो इसके जड़ पे थोड़ी सी मिट्टी खुदाई करके गोबर उबर डालना है, तो वो काम कर लेते हैं इसके बाद। और पेड़ ये यहाँ पे है, इसको भी ठीक करना है क्योंकि इसको खुराक चाहिए पानी की, तो यही चल रहा है मेरा काम अभी। और एक पेड़ यहाँ पे भी है, इसमें मैंने खुदाई खुदाई करके पानी दे दिया है और इस बार इसने भी फल दिया हुआ है, तो कर लेते हैं ये काम। आइए काम करेंगे भैया, तभी सेहत अच्छी थी। पेड़ पौधों में पानी डालना सीखा है, पेड़ अच्छा होता है आपको पता ही है ना। पेड़ पौधों में जितना पानी डालेंगे उतना अच्छा। अब है पारी इसकी। हैं? मौसमी अगर छिली भी नहीं है। हाँ। तो हाथ आप इसको काटो और निकाल लो। ये बहुत बढ़िया तरीका है जूस निकालने का। ये लो मौसमी का। मौसमी है बड़ी मुश्किल से चलती है हाथ से। हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। कितने की है ये मशीन? ये जी आती 2000 के आसपास। बढ़िया है। ये देखो भैया जूस निकालने वाली नई मशीन, मैंगो।
ये क्या?